आर ये डी के तो उम्मीदवार है ही हैं, आर ये डी ही और आर ये डी के साथी सभी लोग मिलाकर के ही ना महागठबंधन है, तो हम महागठबंधन के भी हिस्से हैं, आर ये डी तो है ही हैं हम लोग। कैसे माना जाए कोई भी महागठबंधन का नेता यहाँ मौजूद नहीं रहा और आपने घोषणा कर दी? आप भूलिए मत, सभी लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं और जो भी जहाँ है सबसे बात होती है। यदि यह जनरल इलेक्शंस रहता तो सभी लोग अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके यहाँ रहते या उनसे सहमति लेकर के इस काम को एक अलग तिथि तय की जाती है। इसलिए भूलिए मत, दो सीटों की केवल घोषणा है और यह लगातार वार्ता चल रही है लंबे समय से, इसलिए नहीं कोई यहाँ मौजूद है या कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको चर्चा किया जाए। नहीं, जैसे एनडीए ने घोषणा करना था, जदयू के दोनों प्रत्याशी थे, लेकिन एनडीए की घटक दल के सभी नेता मौजूद थे उस घोषणा में, और आज यहाँ आरजेडी अपनी घोषणा कर रहा है लेकिन महागठबंधन का कोई भी सहयोगी आपके साथ खड़ा नहीं है इस घोषणा। वो ऐसे लोग हैं जिनमें बेसलेस लोग बराबर भीड़ को दिखाते रहते हैं, अब हमारे उम्मीदवार तो यहाँ नहीं है लेकिन उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं ना कि तो कोई दूसरा कह देगा कि मैं उम्मीदवार हूँ, उनके यहाँ भय रहता होगा। लेकिन ख्याल करिए जो मैंने अभी कहा है, हमारे उम्मीदवार हर तरह से सक्षम, विचारोपरांत राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से इन नामों को हुआ है। उसे हमारे साथ ही एक एक हैं अच्छे चुनाव लड़ने लायक, लेकिन सभी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उन लोगों का भी कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, हम लोग का भी कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तारापुर को लेकर के बात बनी थी कि कांग्रेस दावा ठोक रही थी और मदन मोहन झा ने कहा है कि हम लोगों से सहमति नहीं दी गई है घोषणा के बाद। अब आपसे उन्होंने क्या कहा है वो आप जानते होंगे, मुझसे जो बात हुई है वो मैं जानता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।